संत निरंकारी मंडल ब्रांच दुर्ग भिलाई द्वारा निरंकारी बाल संत समागम का आयोजन सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में किया गया, जिसमें छोटे बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर आध्यात्मिक संदेश दिए। इस समागम का उद्देश्य छोटे बच्चों को संत समागम से जोड़ना था। निरंकारी मिशन के युवा ज्ञान प्रचारक महेंद्र जी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे आज नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और गलत संगति की ओर जा रहे हैं। उन्हें अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होगी। छोटे बच्चे शुरू में अगर भक्ति में लग जाते हैं तो सही मायने में भक्ति मानी जाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सहित बच्चों की संख्या देखने को मिली। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वहाँ पर जाना है। बस साधिका ठीक ही कह रही थी, आपको तो बच्चों को घुमाने का समय ही नहीं है। जब देखो सत्संग सत्संग सत्संग, मुझे नहीं जाना सत्संग में। सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन भी सत्संग के सिवा और कुछ काम नहीं होता। मेरी मानो तो आज हम मजार घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे। नहीं भगवान, ऐसा समागम हमें बार बार नहीं मिलता। लिखा है शुद्ध धारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो यदि समागम आप देख रहे हैं, बाल संत समागम, हमने देखा है कि पहले जो बात आती थी भक्त प्रहलाद की, भगत ध्रुव की, तो ये छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं ये शुरू से अगर भक्ति में लग जाते हैं तभी सही मायनों में भक्ति की जाती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि बड़े होकर के भक्ति करेंगे, बुजुर्ग होकर के भक्ति करेंगे, तो उस समय तो ऐसा हो जाता है कि वो ना आँख देख पाती है, ना कान सुन पाते हैं, ना मुँह से बोला जा सकता है, ना पैरों से चल करके जाया जा सकता है। तो ये छोटे से छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भक्ति करते हैं, तो सही मायने में जैसे देखा जाए कि जब आग लगाई जाती है तो बड़ी लकड़ियाँ जल्दी आग नहीं पकड़ती, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो हैं वो जल्दी आग पकड़ती हैं। तो भक्ति भी इसी प्रकार से जब इस निराकार परमात्मा की जानकारी हो जाती है तब सही मायनों में बच्चे जो हैं वो उसको ग्रैस्प करते हैं जल्दी और उस ओर बढ़ते हैं भक्ति के मार्ग पर। और आज वो भक्ति के मार्ग पर बढ़ करके सही मायनों में इंसान बनने की जो बात रखी जा रही है कि सही मायनों में इंसान बन रहे हैं, उनके अंदर जो लियाकत आ रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं कि किसी के साथ दगा नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं, धोखेबाजी नहीं करनी, प्यार के साथ हर एक के साथ रहना है, घरों में प्यार वाला वातावरण हो, माँ बाप के जो इज्जत है वो करनी है। तो ये जो सिखलाई है ये यहाँ पर दी जा रही है और ये बच्चे बखूबी वो सीख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बताया बच्चों ने, कहीं पर स्किट्स के द्वारा, कहीं पर गीतों के द्वारा, यही बताया कि इस निराकार प्रभु को जानकर इसकी भक्ति करते हुए जीवन को जीना ही मनुष्य के जीवन का मकसद, मूल मकसद है। अगर इस प्रकार से ये भक्ति की जाती है तो सही मायनों में जो मोक्ष की है वो प्राप्ति होती है। और बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो हमें संदेश दे रहे थे कि ये जन्म जो मिला है अगर शुरू से ही वो भक्ति में लग जाते हैं तो ये सारा जीवन ही प्यार वाला, प्रीत वाला, नम्रता सत्कार वाला, ये भाव जो है ये शुरू से ही अगर आ जाता है तो सबके साथ प्यार भरा व्यवहार बन पाता है, यही समझा रहे हैं। आज यहाँ पे दुर्ग भिलाई में बाल संगत का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन निरंकारी मिशन लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बाल संगत का आयोजन किया जा रहा है। और सतगुरु माता जी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सत्संग से जुड़े, क्योंकि आज अगर माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में लेकर आएंगे तभी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और माता पिता जी बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर बच्चे अपने माता पिता को सत्संग में लेके जाया करेंगे। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितनी ही नशीली पदार्थों में इंगेज हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे गाली गलौच भी करते हैं, लेकिन जब वो सत्संग से जुड़ जाते हैं तो फिर यहाँ उनको सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज की शिक्षाएँ जब प्राप्त होती हैं कि हमने सबसे प्यार करना है, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, सबसे मीठा बोलना है, जब ऐसे बच्चे शिक्षाएं को सीख लेते हैं फिर एक अच्छे समाज का भी निर्माण हो जाता है।
और बच्चे फिर यहाँ पे सेवा भावना भी जो सीखते हैं उसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं तो घर भी स्वर्ग बन जाते हैं।